फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फीलिंग फूडीज। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं समर स्पेशल रेसिपी। आपने लस्सी तो बहुत तरह की पी होंगी, क्या आपने मैंगो लस्सी कभी ट्राई की है? अगर नहीं की तो ज़रूर करिएगा। इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बहुत ही अमेजिंग होते हैं। तो देख लेते हैं इसको बनाना कैसा है। यहाँ हम लेंगे दो मैंगो मीडियम साइज के, आप कोई भी मैंगो ले सकते हैं। अब इसको हम छील लेंगे। हमने दोनों ही मैंगो को अच्छे से पील ऑफ कर लिया है। अब इस मैंगो को हम रफली चॉप कर लेंगे। हमारे सारे मैंगो रफली चॉप हो गए हैं। आप एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसमें हम चॉप किए हुए मैंगो को डाल देंगे। साथ ही एक कप शक्कर भी डाल देंगे। शक्कर हम मैंगो और दही के हिसाब से डालेंगे। अगर आपके दही और मैंगो दोनों ही खट्टे हैं तो एक कप शक्कर लेंगे, और अगर दोनों ही मीठे हैं तो शक्कर को थोड़ा कम डाल देंगे। फिर इसके बाद एक कप दही को डाल देंगे और इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ताकि चीनी और हमारा जो चॉप मैंगो है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अब इसको हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं सब चीज़ अच्छे से ग्राइंड हो गई है, कुछ भी मोटा मोटा नज़र नहीं आ रहा है, चीनी भी अच्छे से घुल गई है। अब इसमें हम एक कप दही और डालेंगे। इसमें हमने टोटल दो कप दही का यूज़ किया है। अगर आपका दही गाढ़ा है जैसे मेरा दही गाढ़ा है तो इसमें हम डालेंगे आधा कप दूध। अगर आपका दही पतला है तो फिर तो आपको दूध या पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम फिर से अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमारी मैंगो लस्सी बनकर रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ बनकर हमारी लस्सी तैयार हुई है। अब चलते हैं इसको सर्व करने के प्रोसेस में। अब इसको हम सर्व करने के लिए दो ग्लासों में डाल देंगे। और इसको हम बारीक चॉप मैंगो से गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। अब इसको हम हरी पत्ती, पुदीने की पत्ती या फिर कोरिएंडर लीफ से गार्निश करेंगे। और ये हमारी समर की सबसे स्पेशल मैंगो लस्सी बनकर रेडी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक देना कमेंट में मत भूलिएगा।
अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।